मैट्रिक्स तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, अध्याय 3 में किसी प्रकार का कोई शिकवा गया तो नहीं है, सभी प्रश्न लगभग हो गया है। अब ये चौथा चैप्टर जो हमारा है वो सारणिक के नाम से अंग्रेजी में इसको डिटरमिनेंट्स बोलते हैं। ये हमारा चौथा अध्याय शुरू होता है और लगभग देखी जाए तो मैट्रिक्स से ईजी है, मैट्रिक्स जैसे हम लोग बनाए हैं ना उससे भी आसान है और बिल्कुल आसानी से हम लोग इसको बना भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या मैट्रिक में आपने वज्रगुणन विधि पढ़ा है? वज्रगुणन विधि का मतलब ये होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और सारणिक भी कुल मिला के कहानी यही कहता है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो यहाँ का एलिमेंट होगा ये अपने कोना वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा और बीच में साइन जो होता है ना ऑलवेज हमेशा माइनस का होता है। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, बीच में साइन किस चीज का होता है? हमारा माइनस का होता है और कोना कोना वाला आपस में ये क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। तो ये बोला है सवाल नंबर 1 में कि इसका मान क्या होगा, तो बिल्कुल आसानी से एक शब्दों में अगर आपसे पूछे कोना कोनी गुणा करना है तो 2 के कोना में कौन है? माइनस 1। चलिए तो यहाँ पे अप्लाई का साइन दे देते हैं, मान इसका निकालना है तो 2 गुणा में कितना लिखेंगे? माइनस का 1 लिखेंगे, समझ आ गया ना, माइनस का 1। बीच में हमेशा हमको क्या दे रहे हैं? माइनस का साइन। अब माइनस का 5 गुणा करेंगे किसके साथ? 4 के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा माइनस का 2 गुणा में 1 करेंगे तो 2 ही ना होगा, माइनस का साइन है तो पहले माइनस दे दिया, ये माइनस और ये माइनस चढ़ गया आपस में, हो गया प्लस, हो गया ना। 5 चौके होता है 20, और 2 को माइनस है, बड़ा साइन चूंकि 20 का है इसलिए आंसर हमारा कितना होगा? माइनस का 18 होगा, क्योंकि प्लस वाला बड़ा साइन है, 18 होगा हमारा। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 हमारा बन गया। दूसरा भी यही पे देख लीजिए, हैंड टू हैंड 2 नंबर का 1 नंबर क्या बोला है? साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, क्या दिया है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये है साइन थीटा और ये है कॉस थीटा, सेम टू सेम वही फंडा, कुछ बदलेंगे नहीं। तो कॉस का गुणा कॉस के साथ कॉस थीटा इनटू कॉस थीटा, बीच में हमेशा हमको क्या देना है? माइनस। इनटू में ये कौन है? साइन थीटा, और देख लो इनटू में कौन है? माइनस का साइन थीटा, ये यहाँ से हटा देते, ये माइनस इसको क्या कर दिया? प्लस। अब कॉस इनटू कॉस क्या होता है? कॉस स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। कितना हो गया? साइन स्क्वायर थीटा हो गया। और कॉस स्क्वायर ठीक है, चूंकि हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री, इतना तो पढ़े ही हैं हम लोग, इतना तो कम से कम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो इसका आंसर भी हमारा कितना होने वाला है? 1 होने वाला, बिना किसी रुकावट के। चलिए तीसरा क्वेश्चन भी यही भी देख लीजिए, बहुत आसानी से उसको भी बना, सॉरी इसका 2 नंबर है, इसका पार्ट 2 है। अब पार्ट 2 नंबर में क्या लिखा है देखिए, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और ये x माइनस 1 ठीक है, x प्लस 1 ठीक है, आगे x प्लस 1। अब चलिए इसका भी वैल्यू निकालना है, तो सेम टू सेम फंडा, कहीं बदलेंगे नहीं, इसका गुणा इसके साथ कर सकते हैं ना। अच्छा तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, x प्लस 1 और इनटू में कौन? एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का कितना? 1 लिख सकते हैं। और माइनस का साइन चूंकि किसमें रहा? बीच में, माइनस का साइन बीच में रहेगा ना, माइनस का साइन हमारा बीच में रहेगा और ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू x माइनस 1। सुनिए एक बात और पूछते हैं, बता दीजिएगा, aq प्लस bq बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है कि नहीं, a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला तो पढ़े ही होंगे। और सेम टू सेम यही फंडा देखो, आप सुनो, a का क्यू तो बनाएंगे इसको, हम इसको लिख सकते हैं aq प्लस bq के फॉर्म में, लेकिन क्या ये और ये दोनों में अंतर क्या है? आप लोग सोच रहे होंगे, बताते हैं। a प्लस b यहाँ पे तो स्पष्ट है, x स्क्वायर है तो है। अब ab नजर नहीं आ रहा आपको, सिर्फ x आ रहा है,
आपसे पूछेंगे बस बता दीजिएगा, एक्स में गुणा अगर एक के साथ कर दे तो क्या कुछ बिगड़ेगा इसमें? नहीं, नहीं बिगड़ेगा। वैसे ही बी का स्क्वायर मतलब वन का स्क्वायर या वन, दोनों में कोई अंतर तो नहीं रहा। तो ये जो है ये पूरे के बदले हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू। और ये पूरे की जगह पे देखिए ये भी एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस ये ना। चलिए तो दोनों जगह दोनों फॉर्मूला को हम लगा देते हैं। अब इस पूरे की जगह पे हम क्या लिखेंगे, एक्स प्लस मतलब एक्स क्यू ना, एक्स क्यू प्लस वन। अब आप लोग बोलिएगा वन कभी क्यू लिख दीजिए, हम लिख दें कोई फायदा है नहीं, तो रहने देते हैं। माइनस का साइन यहां पे क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन, समझ में आ रहा है। अब चलिए ये देखिए माइनस तो गुणा करेगा ना इसके साथ, ये क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस का वन तो है, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का कितना वन। इसको इसे भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं देखिए तो वन वन दोनों प्लस में हो गया टू। और ये पहले लिखिए इसको बाद में लिखते, कोई सिखवा गया आंसर भी यही होगा हमारा। उम्मीद करते कि ये क्वेश्चन आपको एक और दो समझ में आया होगा, तो नोट करा जाएगा। तीन पे ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर तीन हमसे बोला है सिद्ध करने के लिए। सिद्ध करने का मतलब इसका ये है कि a इक्वल टू हमारा इतना दिया है, एलिमेंट्स कोई सब तो नहीं है, टू इज टू टू का है, ये बात मैट्रिक्स में हम लोग चूंकि सीख चुके हैं, ऑर्डर तो सीख ही चुके हैं ना, कोटि की संख्याओं का तो निकलना सीखे हैं। सुनिए अब ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक डिजिट देखिए ये सारणिक के अंदर है और ये सारणिक के बाहर है, दोनों का अलग अलग मतलब है। सारणिक के जब अंदर हो जाएगा तो दो से मल्टीप्लाई हमको प्रत्येक एलिमेंट्स में कराना हो, और ये बाहर है तो ये को निकालिए चार से बढ़ से गुणा करा दीजिए, हिसाब बराबर है। लेकिन दोनों ही सूरत में आंसर हमारा कितना आना चाहिए, बराबर। मतलब इसका अगर पांच आया तो इसका भी कितना आना चाहिए, अगर इसका दो आया तो इसका भी कितना आना चाहिए, तब जाके ये कहना सही है, नहीं तो हम लोग को बनाना ना गलत होगा, सही है क्योंकि ये तो बोला है कि बराबर है, सिद्ध करके दिखाइए, समझे। तो चलिए बनाते हैं पहले, तो पहले हम किसको निकाल लेते हैं, फोर ए को निकालते हैं, आसान होता है, अब गए ना सीखे थे कोना कोने गुणा करना, तो पहले हम ए निकाल लेंगे, ए का मान निकालेंगे फोर से गुणा करा देंगे हो जाएगा बराबर। तो दो एक नौ मतलब एक का गुणा किसके साथ, दो के साथ, माइनस का साइन बीच में भूलना नहीं, चार गुना के आठ, समझे। अब बाहर में इस चार को चिपका देते हैं, इतना बात तो समझ में आइए रहा होगा। चलिए अब मने मने एक स्टेप और अपने से बता दीजिए, दो हमें से आठ हो गया तो माइनस का छह गुना बचेगा, माइनस का कितना बचा, अच्छा चौके कितना होता है वो भी किसमें, माइनस फोर में। तो एक तो हमने फोर ए निकाला तो हमारा कितना आया, माइनस का चौबीस आ गया, अब हमारा टू ए भी कितना होना चाहिए, माइनस का चौबीस, तब जाके ये सही, अदरवाइज गलत। तो चलिए गलती तो हम होने नहीं देंगे, तो टू ए अब निकाल लेते हैं, तो टू ए निकालते टू को बाहर ही और ए को लाते हैं, एक दो चार आठ, कोई शक करते हैं गुणा बारी में, तो दो चार आठ दो एक अनम दो, दो दुना के चार, चार दुना के आठ, आठ दुना के एक, तो एक दो तो दो चार तो चार, अच्छा दो की जगह आठ है, ओ माय गॉड, इसीलिए ना गड़बड़ हो जाता है, सब सही होते लेकिन आंसर सही नहीं है, चार होगा, ठीक है। आप समझ में आ गया ना, ये ना बताना चाहिए हम बोले कि हम सही लिखे तो गड़बड़ कहाँ होंगे, हमको तो लगे कि हम सही गुणा करा के लिख दिए हैं प्रत्येक एलिमेंट से, ये तो गुणा करना हम लोग सीखे सीखना चुके हैं, नया चीज तो नहीं है। चलिए तो चार गुना के आठ में से घटेगा कितना, आठ चौके बत्तीस,
भाड़ा पढ़ने आता है, कई को बचेगा बताइए? माइनस का 24 बचेगा। इसमें और इसमें कौन अंतर? अंतर नहीं है तो आंसर सही है यार। क्वेश्चन नंबर 4 और ये देख लीजिए 3:3 का ऑर्डर है, ठीक है। अब सारणी का मान निकालने के लिए थोड़ा बहुत मैट्रिक से हट के सोचना होगा, इसमें भी एक कंडीशन है। अच्छा, इनवर्स हम लोग कैसे निकाल देते हैं ये सीखे है ना मैट्रिक्स में, कि रो में चलते थे रो में, कॉलम में चल रहे तो कॉलम में, ऐसे काम करते थे ना। इधर भी वही अपना है, अगर रो लेके चलते हैं तो रो से चलेंगे, कॉलम से चल रहे हैं तो कॉलम से। अब इसका गुणा कैसे, 3:3 का ऑर्डर, 2:2 का ऑर्डर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा ली बात करता हूँ, लेकिन इसमें तो खेल थोड़ा अलग है। आ शुरू होता है प्लस, अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस, मतलब शुरू होगा कैसे प्लस, उसके बाद माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसा अल्टरनेट चलता है। तो 3:3 का है तो मतलब लगभग मेरे को 3 साइन तो आने ही वाले हैं। चलिए इतना बात भी समझ में आ गया, अब आगे क्वेश्चन लेके हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या निकल लेते हैं, 27 निकाल लेते हैं, 27A निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये निकालेंगे और गुणा किससे करा देंगे, 27 से, समझ में आ गया। और 3A निकालने के लिए तो 3 से गुणा कराना पड़ेगा प्रत्येक में, ठीक है। और इसमें भी हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए पहले क्या निकाल लेते हैं, हम ये निकाल लेते हैं। तो ये निकालने के लिए देखो, अब इधर अगर चलते हैं, दिख रहा है, इधर कॉलम में चलते हैं तो ये 0 है, ये 1 है, बाकी ये दोनों क्या है, 0 है। तो 0 से कोई भी एलिमेंट से गुणा करा लो, 0 ना करेगा, तो हमको यही चलना सहूलियत रहेगा। देखना है, सीखने वाला चीज यहाँ पे, एक हम ये लेके चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ गुणा में हम उसी को रखेंगे, एक के साथ गुणा में हम उसी को रखेंगे जो इसके रो और कॉलम को संबंध टच ना करता। तो ये लाइन और ये लाइन नहीं लिखेंगे, बाकी जो बच जाता है हमारा क्या, 1, 2, 0, समझ में आ गया। फिर एक बार तो ये प्लस दे दिए थे, अब हमको क्या देना है, माइनस। इतना बात तो समझ, पूरा ब्रैकेट दे देंगे तब ना, सबसे गुणा करा के जितना आएगा उसमें फाइनली 27 से गुणा कर देंगे, आप क्या देंगे, माइनस। हम क्या बोले कि हम कॉलम में चल रहे हैं, अब 0 कौन देंगे, इसके साथ सारणिक में कौन आएगा 2:2 का ऑर्डर बनाने के लिए। अब ये लाइन देखो, 0, 1, 4, ये लाइन और ये लाइन नहीं आ सकता है, तो बचा 0, 1, 0, 4, 0, 1, 0, 4, कोई सब नहीं ना। अब चलिए फिर उसके बाद क्या बचा, तो एक बार प्लस, एक बार माइनस, फिर से क्या प्लस, ये खेल भी खेलना है, फिर से क्या 0, ये 0 लिए ना, तो ये लेंगे और ये लेंगे तो नहीं ले सकते हैं, है ना। अब क्या बचा, 0, 1, 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 उम्मीद करते कि इतना बात समझ में आ गया है। अब ये गलती मत करने लगना कि चले ये गोरो कॉलम चलाया फिर से इसको भी उठाने लग दीजिएगा कि अभी काम है, अब फिर इसमें आएंगे फिर इसमें, नहीं पूरा का पूरा हो गया है, ऐसा कोई एलिमेंट्स नहीं जो इसमें नहीं लिखा गया है, अगर नहीं लिखा सब पूरा में लिखा गया है, ध्यान से देखोगे मालूम चल जाएगा सबका सब एलिमेंट्स है कि नहीं है, ऐसा कुछ है जो बाकी है इसमें, कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या है, बाहर है, तीनों दिख रहे हैं बाहर, और ये जो है एलिमेंट्स, ये जो 6 बचता है तो 3 तो ऑलरेडी बाहर है, और 6 को ये किसी ना किसी में मौजूद मिलेगा। सबको जब लिख दिए हैं तो एक ही गुणा को कई बार लिखिए तो हो गया, एक ऐसे मल्टीप्लाई करना, 3 ऑर्डर में जब भी रहे या 4 ऑर्डर में भी रहे, 5 ऑर्डर में भी रहे, कितना हूँ ऑर्डर में रहे, रूल भूलिए, अगर रो में चल रहे तो रो में या कॉलम में चल रहे तो मर्जी आपकी है। अब आप पूछिएगा नहीं हमसे कि अच्छा आप बात बताइए आप ये क्यों नहीं लिख दिए, ले लिए पूछिए बता देंगे, पूछिए पूछिए ना पूछिएगा, अच्छा पूछने के बाद पूछिएगा, चलिए ठीक है। यहाँ पे देखिए कि ये 0 है, आई पूरे जब गुणा करेगा तो बाहर करेगा ना गुणा, तो 0 से किसी भी संख्या में गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, यह भी 0 कर देगा, तब कुल मिलाकर हमारा यही ना फंडा बचा, और बाकी इसके सिवा अगर ये लेके चलते तो देखो ना ये एक था, तब कुछ और लेके आना पड़ता हमको, तब काय को माथा पे चेमा के करेंगे, दिमाग लगा दिए सर से, दुगो हमको 0 दिख रहा था, मतलब हमको पता चल गया कि दोनों को 0 करिए देगा कन्फर्म, हम तो 100% श्योर है, आप लोग का तो पता नहीं, कई परसेंट, 100%। चलिए तो गुणा करते हैं,
अच्छा इसको एक ब्रैकेट में डाल दे क्या, ताकि आपको मालूम चले कि 27 बेस बारी बार इंतजार करने से गुणा करने के लिए। चलिए तो एक का गुणा किसके साथ, 4 माइनस क्या बोलते हैं, माइनस का 0 प्लस का 0, ऐसा मुझे लगता है आपको वही लगता है। चलिए बहुत सुंदर बात है, 27 तो ठीक है, आने तो कहाँ बचा है 4 ना, 27 से होकर हमको लगता है कि 27 में 108 आ गया, 108 पूरा ठीक ठाक होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अब चलिए अब हमको क्या निकालना है, अब क्या डिटरमिनेंट 3A, ठीक है, ये 27 डिटरमिनेंट था, अब इससे 3 से 23 में मल्टीप्लाई करेंगे और हमको 108 लेके आना हो, अब हम क्या निकालना जा रहे हैं 3A, तो पहले A में मल्टीप्लाई करा देंगे किससे 3 से, तो 101 012 004, फाइनली क्या लिख देंगे इसको हम 3A03 006 004 12। अब इसका क्या, इसका क्या, फिर से वही नकल में लेके चलेंगे ना, चलिए तो चलते हैं, 3 दे दिए भाई, और इसके साथ कौन मल्टीप्लाई करने वाला है, 3 6 0 12 3 6 0 12, ठीक है, और माइनस का 0 और प्लस का 0 लिख देते हैं, तो बात ये इसके जैसे लिख के दिखाने की बात समझ में आ रहा है कि ये 0 0 क्यों हो गया, आ रहा है तो लिखने की जरूरत नहीं ना है, समझ गए ना कि ये 0 हम डायरेक्ट का लिख दें, अगर शौक हो कि नहीं लिखेंगे हम तो आपके लिए ये चीज अवेलेबल है, ठीक है, हमको नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा लफड़ा इसमें। चलिए तो क्या करिएगा, 3 तो बाहर इंतजार करिए रहा है, 12 3 के 36 से 0 कौन 0 वाला ऊपर वाला फिर से ये चलिए ये 0 है ये, चलिए अब यहाँ से देखिए 3 है, ये 3 है तो 3 हम लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन नहीं लेंगे, तो देखिए क्या क्या लिखे 3 6 0 12 लिखे हैं, चलिए अब ये हो गया, उसके बाद अब हम 0 ले जाएंगे, 0 से तो किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ना आया था, ये दोनों 0 का समझ में आ रहा है ना, वही वो दोनों 0 भी डायरेक्ट लिखती है, अगर आपको लगे कि ना लिख देते हैं कि स्टेप आगे बढ़ा देते हैं तो बोलिए बढ़ा देते हैं, लेकिन हमको नहीं लिखते कि बढ़ाने लिखा है कुछ, ठीक है डायरेक्ट, तो 12 3 36 और 0 में 6 से गुणा करके 0 हो गया। अब चलिए तो 3 गुणा कर जाएगा जब 36 से, तो बता दीजिए कितना होता है 36 3 30 तो 9 6 18 108, दोनों में कौन अंतर बताइए बीच में, और इसमें कुछ अंतर है, मान निकालना है, क्या निकालना है सारणी का मान ज्ञात करिए, तो मान निकालना है तो मतलब 7 ने 27 ऐसे तो कुछ खेले नहीं दिए, सिंपल शब्दों में बस मान निकाल देना है, दिमाग लगाना ही नहीं है, लेकिन एक दिमाग लगा देना है, अगर ये मान के चलिए कि अगर ऊपर से रो लेके हम चलते हैं, समझा है ना, ये तीनों को बारी बारी गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 0 कर नहीं पाएगा ये भी 0, लेकिन इससे गुणा अगर करा दें तो 1 0 हो जाएगा आसानी से, तो 2 को अपना हमको सोचना होगा। चलिए हम लेके चलते किसको, हाँ किसके अनुदिश, कॉलम के अनुदिश, C1 के अनुदिश, ऐसे लिखना चाहो तो भाषा थोड़ा सा है, फिटना चाहो तो फिट देना, और नहीं चलते चूंकि है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव देख करके पैसा दिया है, तो चलिए 3 तो पहले रहेगा और इसके साथ कौन आएगा, 0 -1 5 0 -1 -5 0, फिर से देंगे माइनस 0 और 0 तो ये लेंगे नहीं, -1 -2 -5 0, और फिर देंगे प्लस में तो 3 रहेगा इसके साथ, 3 रहेगा तो क्या रहेगा, -1 -2 0 -1, इतना बात तो समझ में आ रहा है, आज जब आ रहा है तो यही बात हमको समझा दीजिए कि 3 का गुणा 0 तो 0 और माइनस माइनस हो गया ये प्लस, ये फॉर्मूला में ऑलरेडी माइनस, 3 को माइनस तो माइनस से होता है 5, 5 करो तो 5 ही, और ये माइनस प्लस कुछ भी करो 0 तो 0 ही होता है, ये फिर से गुणा करेगा इसके साथ तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और फिर से माइनस माइनस हो गया
प्लस जीरो, क्योंकि दो में जीरो से गुणा करिएगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए इतना बात समझ नहीं आ रहा, तो ये पांच से कितना होता है पंद्रह, वो भी माइनस, माइनस दो को है दोनों में है ना, तो दोनों माइनस लड़ के प्लस हो गया ना, आएगा फॉर्मूला में माइनस होता है आएगा, ये माइनस है ना, तो ये प्लस वैसे भी तो जीरो है, माइनस में लिख दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन गणित नियम अपना थोड़े तोड़ता है, यहाँ पे प्लस होगा तो होगा, इसमें संदेह थोड़े, नहीं समझे, जब भी दो माइनस हो सकता है प्लस, तो ये को फॉर्मूला का माइनस है इसका माइनस, दोनों माइनस मिलके क्या हो गया, बहरहाल ये तो जीरो से गुणा करके जीरो हो गए, लेकिन फिर भी साइन को नहीं बदल सकता है। चलिए अब ये पांच लिए को देखो, जीरो से गुणा करेगा जीरो, अब पांच से गुणा करेगा पंद्रह, माइनस से गुणा करेगा तो इसका तो कोई रोल नहीं है, अभी लिखे की छोड़ दे, छोड़ दे, और इसका रोल है प्लस का कितना, थ्री, बताइए माइनस, ये है ना आंसर, ये को बना दिए, बाकी कौन बनाना वाला है, हाँ तो बनाइए उसके बाद, और अगर सात का हम लोग एक नंबर बना लेंगे तो इसका पार्ट टू और आठ नंबर क्वेश्चन बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। रही बात हमारा पांच नंबर और छह नंबर क्वेश्चन, तो बिल्कुल जैसे हमारा चार नंबर बनाया वैसे ही हमारा पांच नंबर और छह नंबर भी बनने वाला है, हालांकि बिल्कुल प्रश्न बन जाएगा ना बनने वाला, कहीं से कोई बात नहीं है। तो चलिए ये प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना होगा, इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे, उसके बाद दोनों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, किसको, टू फोर आइट वन, पहले देख लो डिटरमिनेंट के साइन में लेके आना है, क्योंकि अभी तक ये जो लिखा हुआ है मैट्रिक्स के साइन में लिखा हुआ, समझ में आया ना, उसके बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराते हैं बीच में हमेशा माइनस, ठीक है, जब इसको तो टू इंटू वन कितना होता है टू, माइनस का पांच होकर कितना होता है बीस, ये कितना होने वाला है माइनस का अठारह, एक तो आ गया हमारे पास, अब इसको सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे, तो इसको कितना लिखेंगे टू एक्स फोर सिक्स एक्स, सही है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एक्स के इसके साथ, टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, छौका चौबीस, ठीक है, और ये तो इतना ही रहेगा, अब इसको बराबर में लेके आ जाते हैं, क्योंकि ये बराबर ही तो है, दोनों ये बराबर है, ये कितना हो गया माइनस का अठारह, प्लस कर तो उधर जाके ये क्या, सॉरी इधर माइनस कर तो उधर जाके क्या करेगा, प्लस, तो टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा छ, क्योंकि प्लस से ये जाएगा प्लस हो जाएगा, घटेगा लेकिन साइन बड़ा वाला लेगा, तो माइनस का अठारह प्लस का चौबीस प्लस का सिक्स होता है, तीन दुने के कितना होता है छ, एक्स स्क्वायर बराबर में थ्री, एक्स का मान कितना आ जाएगा, एक्स का मान प्लस माइनस अंडर द रूट थ्री, काहे को, क्योंकि दोनों तरफ जब रूट लेता है तो इसी तरह का लेता है, उम्मीद करते कि बात समझ में आ गया होगा। जैसे हमारा ये सात नंबर का एक नंबर बना है एज इट इज, दो नंबर भी है और बिल्कुल बिना किसी परिवर्तन के आठ नंबर भी ऐसे ही बनेगा, ठीक है, उम्मीद करते कि सवाल तो बन जाएगा ना वाला, कहीं से कोई बात नहीं है। तो 4.2 हम लोग देख लेते हैं,